सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं AMD की तरफ से आने वाले RDNA 2 ग्राफिक कार्ड्स के बारे में। तो लेट्स बिगिन। अब जो ये कार्ड्स हैं, ये सारे कार्ड्स रिप्लेस करने वाले आपके RX 5000 सीरीज़ के, एंड बताया जा रहा है ये कार्ड्स 50% मोर पावरफुल होंगे आपके नेक्स्ट जेन कार्ड्स में। एंड आपको ये कार्ड्स भले ही अच्छे थे 5000 सीरीज़ के, बट इनमें जो चीज़ इनको एलिमिनेट कर देती थी, इनमें रे ट्रेसिंग नहीं थी। क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए AMD ने अपने RDNA 2 आर्किटेक्चर में डिसाइड किया कि वो रे ट्रेसिंग लाएंगे, एंड बेटर रे ट्रेसिंग NVIDIA से भी। अभी जो है 5000 सीरीज़ में जो कार्ड आते हैं 5500 XT, 5600 XT, 5700 XT, ये सारे कार्ड्स 50% मोर पावरफुल होंगे अपने नेक्स्ट जनरेशन कार्ड्स में। जैसे अभी बात करें हाई एंड कार्ड के बारे में, जो कि पता पड़ा है 6900 XT, जिसको हम बिग नावी या RDNA 2 के नाम से जानते थे, उसका रियल नेम है 6900 XT, जो कि 2080 Ti से भी फास्टर है, अप टू 40% फास्टर। बात करें इनके स्पेक्स के बारे में, तो आपको मिलता है 14GB GDDR6 टाइप मेमोरी। हाँ, काफ़ी लोग सोच रहे थे इसमें HBM2 मेमोरी यूज़ होगा, बट नहीं, इसमें नहीं है। एंड काफ़ी हद तक इसमें इम्प्रूवमेंट किया गया है। कितना टेराफ्लॉप्स का है इसमें, इसमें आपको मिल जाता है 22.73 टेराफ्लॉप्स का कंप्यूटेशनल पावर। एंड कितने कंप्यूट यूनिट्स इसमें है, 18 कंप्यूट यूनिट्स आपको मिल जाते हैं। और इसकी बैंडविड्थ जो रहेगी वो 1008 GBPS की रहेगी। तो होपफुली आप ये समझ सकते हो कि नेक्स्ट जेन कार्ड्स PCIe Gen 4 को पूरा यूटिलाइज कर सकते हैं, जो कि 2080 Ti तो आधा भी यूटिलाइज नहीं कर पाता। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अभी जो कार्ड्स रिप्लेस करेंगे 5700 को रिप्लेस करेगा 16700, और 6700 XT रिप्लेस करेगा 5700 XT को। एंड ये कार्ड्स जैसे होंगे, तो ये इस पर 50% पावर ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जैसे 580, जो कि एक टाइम पे 30,000 का कार्ड मिलता था, अब वही चीज़ आपको 14-15,000 के कार्ड में वैसी परफॉर्मेंस मिल जाती है। हालांकि अब 580 की प्राइसेस ड्रॉप हो चुकी है, बट एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको 5700 XT वाली पावर शायद 6500 XT में मिल सकती हो, और उससे ज़्यादा भी हो तो एक फ़ायदा आपका ही है। बात जो लीक्स निकल के आई है 6900 XT की, तो ये कार्ड आपको $1000 पे मिलेगा। अगर 3080 Ti जितनी परफॉर्मेंस भी देता है, तो ये कार्ड्स वर्थ इट करते हैं, क्योंकि 3080 Ti कहीं ना कहीं $1200 का ही आएगा। तो 3060, 3070, 3080, इन तीनों को कंपटीशन मिल रहा है 6000 सीरीज कार्ड्स में। एंड काफ़ी हद तक इसमें लीक्स बेंचमार्क्स भी आए हैं कि 4K में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिली, और 2080 Ti को एकदम ही ख़त्म कर दिया, ख़त्म। अब मेरे को नहीं समझ में आता, अगर ये कार्ड्स जल्दी आ जाते, ऐसे जल्दी आएंगे, सितंबर अक्टूबर में ही आएंगे, तो ये कार्ड्स काफ़ी वर्थ होंगे। इवन 6900 XT ने 2080 Ti की रीट्रेसिंग परफॉर्मेंस तक को बीट कर दिया, तो समझो आपको कितने अच्छा कार्ड्स मिलने वाला है। अभी देखते क्या आते हैं, कैसे आते हैं, बात करते हैं अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू गाइस, इफ़ यू लाइक डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।